क्या बात हुई सर, क्या बात हुई सर, क्या बात हुई सर, सर सर क्या बात हुई, क्या बात हुई ये सर बता तो दीजिए, एटलीस्ट सर क्या बात हुई ये तो बता दीजिए, सर क्या बात हुई, सर क्या बात हुई ये तो बता दीजिए। अरे भाई पकड़ के क्यों ले जा रहे, रुक जाओ ना यार। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच के लिए पहुंची बिहार पुलिस के साथ बेहद ही अजीब वाकया देखने को मिला। पुलिस की टीम मुंबई में सुबह से घूम घूम कर इस मामले से जुड़े सबूत जमा कर रही थी और मीडिया की टीम उनका हर जगह पीछा कर रही थी। शाम को बिहार पुलिस के अधिकारी इस मामले में लोकल असिस्टेंट की मदद लेने के लिए क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे। इस दौरान मीडिया की भीड़ भी वहां उनके साथ पहुंच गई। मीडिया कर्मी क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर जमा थे और बिहार पुलिस की टीम जैसे ही बाहर निकली मीडिया कर्मी उनके पीछे पड़ गए। इस दौरान मुंबई पुलिस के लोग यहां पहुंचे और बिहार पुलिस के अधिकारियों को धक्का देकर पुलिस वैन में ले गए। अरे भाई पकड़ के क्यों ले जा रहे, रुक जाओ ना यार। बिहार पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। सर सर क्या कुछ किया, सर दो मिनट सर रुकिए ना, सर क्या ट्रांजैक्शन, क्या कुछ किया, हालांकि बाद में मुंबई पुलिस की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि वो सिर्फ बिहार पुलिस की मदद कर रहे थे। हालांकि जो वीडियो सामने आया है उसमें मुंबई पुलिस के लोग बिहार पुलिस के अधिकारियों के कमर में हाथ डालकर अपने साथ ले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार पुलिस के साथ कैदियों जैसा सलूक किया जा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर मुंबई पुलिस पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार पुलिस के द्वारा की जा रही निष्पक्ष जांच में रुकावट डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि बिहार पुलिस अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही है लेकिन मुंबई पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, ऐसे में पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। सुशांत सिंह की मौत की गुत्थी को सुलझाने को लेकर बिहार और मुंबई पुलिस के व्यवहार पर कांग्रेसी नेता संजय निरूपम ने सवाल उठाए हैं। संजय ने शनिवार को ट्वीट करके दोनों राज्यों की पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार और मुंबई पुलिस में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ चल रही है। बिहार सरकार के आरोपों में तब और दम नजर आने लगा जब ये बात सामने आई कि मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को गाड़ी तक मुहैया नहीं करवाई और उन्हें अंकिता लोखंडे से पूछताछ करने के लिए जाने में गुरुवार को 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा।